देव जो पीएससी मा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल। काम कर ले खसरे टेंशन, अरे काम कर ले खसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपटीशन कम्युनिटी हर वर्ष आपके लिए सीजीपीएससी परीक्षा से पूर्व कुछ एक नया इनिशिएटिव लेकर आती है, जिसके तहत हमने पिछले वर्ष संपूर्ण सीजीपीएससी पाठ्यक्रम की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री कराया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस बार हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, जिसमें संपूर्ण सीजीपीएससी पाठ्यक्रम की तैयारी हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे। एमसीक्यू के माध्यम से हम आपकी तैयारी ऐसी सुनिश्चित करेंगे जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ते पढ़ते आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ निर्माण एवं सामान्य जानकारी, अर्थात छत्तीसगढ़ के निर्माण से संबंधित क्या क्या सामान्य जानकारियां हैं, इससे संबंधित आज हम विषयों पर चर्चा करेंगे। जिसके तहत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में प्रस्ताव लोकसभा में कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, कब प्रस्तुत किया गया। अब कब प्रस्तुत किया गया तो इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं चार। पहला ऑप्शन क्या है, 25 जुलाई 2000, किसके द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 31 जुलाई 2000, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 25 जुलाई 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 31 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। ठीक, तो अपन चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में जो प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर होगा 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। कहां प्रस्तुत किया गया, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी इस समय थे कौन, तो लाल कृष्ण आडवाणी उस समय वर्तमान में भारत के क्या थे, गृह मंत्री थे। दूसरा आपको नाम क्या दिख रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, तो ये भारत के उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री थे। अब चर्चा करते हैं हम लोग जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 2000, उसके विषय में कुछ जानकारियों को हम आपको प्रस्तुत कराता हूं। जैसे कि इस जानकारी के क्रम में मैं आपको पहला चीज बताता हूं, जैसे पहला आपको डेट इसमें दिख रहा होगा क्या, 25 जुलाई। ठीक है, तो 25 जुलाई को क्या किया गया था, 25 जुलाई को जो भारत के गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्ताव क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत 31 जुलाई 2000 को ये जो प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो लोकसभा से पारित होने की तिथि कब है, तो 31 जुलाई। 25 जुलाई को क्या किया गया, लोकसभा में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 31 जुलाई को लोकसभा में क्या हो जाता है, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। जिसके उपरांत, लोकसभा के उपरांत 3 अगस्त 2000 को यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। कहां प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत यह प्रस्ताव 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी क्या हो गया, पारित हो गया।
यह प्रस्ताव कब पारित हो गया? तो 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया। अब 9 अगस्त को जो प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें एक संशोधन भी था, और यह संशोधन छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित था। इसके बाद 25 अगस्त को इस प्रस्ताव पर, कौन से प्रस्ताव पर? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंधित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी के क्या हो गए? यहां पर हस्ताक्षर हो गए। यहां पर आप अपना अगर नोट्स निकालकर बैठे होंगे तो एक चीज यहां पर आप नोट करके रखिएगा कि 25 अगस्त को क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसकी तारीख 25 अगस्त किसमें प्रस्तावित है या किसमें प्रस्तुत की गई है? तो भारत के राजपत्र में क्या किया गया है, प्रस्तुत है कि 25 अगस्त को राष्ट्रपति जी का क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया। लेकिन सीजीपीएससी इसका आंसर एक बार 28 अगस्त ले चुका है। सीजीपीएससी इसका आंसर क्या ले चुका है, एक बार 28 अगस्त ले चुका है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको पता है कि 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के 26वें राज्य के रूप में क्या हो गया था, अस्तित्व में आ गया था। आगे चलते हैं, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। दूसरे क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु किए गए प्रयासों पर विचार करें, ठीक। अब क्या क्या प्रयास किए गए थे, इनके लिए हमको क्या करना है, विचार करना है। पहला क्या, छत्तीसगढ़ मांग हेतु शोषण विरोधी मंच का क्या किया गया है, गठन किया गया। छत्तीसगढ़ मांग हेतु क्या किया गया, एक मंच का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, शोषण विरोधी मंच, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन था। दूसरा पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन था। तीसरा पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि इस संगठन की स्थापना 1948 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा की गई। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, इस संगठन की स्थापना 1946 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा की गई। अब इन कथनों में से आपको ध्यान देना है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब हमको क्या छांटना है, सत्य कथन छांटना है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब हमको क्या देखना है, यहां पर सत्य कथन की जांच करनी है। तो देखते हैं, पहला, छत्तीसगढ़ मांग हेतु क्या किया गया है, शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु क्या किया गया था, एक गठन किया गया था संस्था जिसका नाम था क्या, शोषण विरोधी मंच, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा हम देखते हैं कि इस संगठन, सॉरी, दूसरा आपका क्या ऑप्शन, यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन था, यह भी बिल्कुल सही है कि यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित प्रथम संस्थान था। अगला, तीसरे ऑप्शन की तरफ अपन चलें तो अपन देखेंगे कि इस संगठन की स्थापना 1948 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा की गई, ठीक है, ये गलत है। इस संगठन की स्थापना ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा जरूर की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1948 में नहीं हुई थी। चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन, इस संगठन की स्थापना 1946 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा की गई। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ऑप्शन में बताया कि स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा किया गया है, लेकिन कब किया गया है, तो 1948 में नहीं किया गया है। कब किया गया है, तो इसकी स्थापना 1946 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा किया गया है। अब हम अपने ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं, पहला है, एक और तीन सही है, तो क्या एक और तीन सही है, नहीं, इसकी स्थापना 1948 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा नहीं की गई थी। इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी जो स्थापना है ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा 1946 में की गई थी। तो तीसरा कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो जहां जहां पर अब तीसरा कथन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन और कहां पर है, डी नंबर पे है। तो पहला और चौथा क्या हो गया ऑप्शन आपका, ऑटोमेटिक यहां पर एलिमिनेट हो गया। अब अपने को कहां पर ध्यान देना है, सी और बी में ध्यान देना है। तो मैंने आपको और बताया था कि ये जो चौथा पॉइंट आप लिखे हैं, इसमें खूबचंद बघेल के द्वारा शोषण विरोधी मंच का गठन नहीं किया गया है। तो चौथा जो चौथा ऑप्शन है वो भी क्या हो जा रहा है, यहां पर एलिमिनेट हो जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, एक और दो सही है कि छत्तीसगढ़ मांग हेतु शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित यह प्रथम संगठन था, लेकिन इसकी स्थापना 1946 में क्या की गई थी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा की गई थी। तो यहां पर आपको एक चीज और नोट करके रखना है कि इस शोषण विरोधी मंच का गठन कब किया गया, 1946 में, किसके द्वारा किया गया, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा किया गया, ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा इसका गठन
किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? तो 2000 में लाया गया। इसको आपको ध्यान देना है, यही कई बार पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब लाया गया? 2000 में लाया गया। इसमें एक चीज पर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2000 में लाया गया था कि 1998 में लाया गया था। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया, तो 2000 में लाया गया था। अब इसके संबंधित ऑप्शंस पर अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है आपको कि 31 जुलाई 2000 को विधेयक क्या हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ था। अभी जस्ट मैंने अपने पहले क्वेश्चन में इन सभी चीजों को बताया है आपको कि कब ये पारित हुआ, कब प्रस्तुत हुआ। तो आपको यहां तक अब समझ में आ गया होगा कि 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, बिल्कुल यह कथन क्या है, सत्य है। दूसरा हम देखते हैं 9 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको यह बताया था। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन आपको बोल रहा है कि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ भारत के 27वें राज्य के रूप में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। तो मैंने अभी बताया आपको कि भारत के 27वें राज्य के रूप में नहीं, बल्कि भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ क्या हुआ है, अस्तित्व में आया है। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि 31 जुलाई 2000 को विधेयक क्या हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, बिल्कुल सही है, है ना। हमने देखा था कि यह लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ था, तो एक डेट आपको यहां पर मैं और लिख दे रहा हूं, क्या, 25 जुलाई को विधेयक क्या हुआ था, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ था, तो अभी हमने चर्चा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो वर्तमान में उस समय क्या थे, भारत के गृह मंत्री थे, उनके द्वारा लोकसभा में यह क्या हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। दूसरा हम देख रहे हैं पॉइंट क्या, 9 अगस्त 2000 को क्या बोल रहा है, राज्यसभा में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। यहीं पर आपको ध्यान में रखना है कि 3 अगस्त को क्या किया गया था, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था। और 9 अगस्त को जब यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ, तो इसमें एक संशोधन भी हुआ था, और वह संशोधन किस लिए था, तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की जो सीटें आवंटित की गई थी उसके संबंध में क्या किया गया था, एक संशोधन यहां पर किया गया था। अगला डेट क्या है, 25 अगस्त 2000, विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ठीक है। यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा कथन क्या है, आपका गलत है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन एक सही है, गलत एक और दो सही है, यह भी ठीक है, 1, 2, 3 सही है, या सभी सही है। तो आपको पता है कि 1, 2 और 3 क्या है, सही है। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा आंसर, 1, 2, 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा, 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, इसके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक। अब इसके बारे में ध्यान देते हैं, 4 नेताओं के आपको नाम दिखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा खूबचंद बघेल, तीसरा रविंद्र चौबे जी, और चौथा विद्याचरण शुक्ल। इन चारों में से किसके द्वारा 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, तो अपन चर्चा करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को आपको किस लिए जानना है, कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1918 में पहली बार छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया गया था। स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया गया किसके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, कब, तो 1918 में। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, या संकल्पनाकार भी इनको कहा जाता है। इनके लिए एक शब्द हो गया डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल के लिए मैं आगे अलग से एक पूरा क्वेश्चन का सीरीज रखा हुआ हूं, तो इनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। अगले हैं रविंद्र चौबे जी। वर्तमान में भी आपको रविंद्र चौबे जी का नाम याद रखना है, ठीक है। वर्तमान कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन सा मिनिस्ट्री इनके पास है, ये आपको आपको मेरे को बताना है अगले वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे इसको। और चौथा ऑप्शन है आपका विद्याचरण शुक्ल जी। तो विद्याचरण शुक्ल वो प्रमुख नेता थे जिनके द्वारा 20 जुलाई 1999 को क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जगदलपुर के अंतर्गत जो विद्याचरण शुक्ल जी थे उनके द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। और इस कार्य के कारण विद्याचरण शुक्ल समेत छत्तीसगढ़ के 11,000 नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार भी कर लिया गया था। क्लियर है यहां तक चारों ऑप्शन, चारों क्वेश्चन और चारों क्वेश्चन के आंसर आपको सभी को क्लियर है?
तो इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक स्थिति पर विचार करें। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य हमारा अस्तित्व में आया, ये आपको पता है। ठीक, अब इसकी प्रशासनिक स्थिति उस समय क्या थी, ये अपने को क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए, कंसिडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन ऑफ छत्तीसगढ़ एज ऑन 1 नवंबर 2000। इसमें अपन ध्यान देते हैं, पहला आपको क्या बोल रहा है कि इस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपको बिलासपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग था। तीसरा, छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। और चौथा, बस्तर संभाग में 3 जिले थे। सभी को चर्चा करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में क्या करना है हमको, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक स्थिति पर हमको चर्चा करनी है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे। यह ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में इस समय क्या थे, 3 संभाग थे। एक संभाग आपका बना था 1862 में। ठीक है, कौन सा संभाग बना आपका, रायपुर। दूसरा संभाग बना आपका 1956 में, जिसका नाम है बिलासपुर। और तीसरा संभाग 1981 के तहत बना आपका बस्तर। ये 3 संभाग थे कब, जब छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया। कौन कौन से, 1862 में पहला संभाग रायपुर, 1956 में दूसरा संभाग बिलासपुर, और 1981 में तीसरा संभाग क्या आपका, बस्तर। ये 3 संभाग हैं हमारे। तो पहला जो ऑप्शन है ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा अपन विचार करते हैं, बिलासपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग था। ठीक है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। ये जो 3 संभाग आपको दिख रहे हैं, रायपुर, तो रायपुर के अंतर्गत इस समय खुद रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिले शामिल थे। दूसरा संभाग क्या आपका, बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में इस समय पहला जिला क्या हो गया आपका, बिलासपुर। बिलासपुर के उपरांत दूसरा जिला आपका क्या हो रहा है, सरगुजा। सरगुजा उपरांत रायगढ़, रायगढ़ के बाद कोरबा, कोरबा के बाद कोरिया, जसपुर और जांजगीर एवं चांपा। तो टोटल कितने जिले हो रहे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 जिले कहां पर आ रहे हैं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं, तो जो कि सर्वाधिक है। अगला, तीसरे ऑप्शन की ओर अपन चलते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 16 जिले थे। और चौथा ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि बस्तर संभाग में 3 जिले थे। तो देख लेते हैं बस्तर संभाग की उस समय स्थिति क्या थी। तो अगला, जैसे कि अपन देखें तो ये जो बस्तर है, बस्तर के अंतर्गत उस समय स्वयं बस्तर, उत्तर बस्तर के रूप में कांकेर और दक्षिण बस्तर के रूप में दंतेवाड़ा जिला अस्तित्व में था जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो 3 संभाग हो गए हमारे, कौन कौन से, पहला हो गया रायपुर, रायपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा। दूसरा है बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले, तो 7 जिले। कौन कौन से, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, जसपुर और जांजगीर चांपा। और तीसरा बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के अंतर्गत कितने जिले, तो 3 जिले, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो टोटल कितने जिले हो जा रहे हैं हमारे, 16 जिले हो जा रहे हैं। एक और चीज देख लेते हैं हम यहीं पे कि इन जिलों का गठन कब कब किया गया। तो हमको पता है कि 1861 में जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो जिलेदारी व्यवस्था लाई गई थी। उस समय 3 जिलों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। कौन कौन से जिले थे वो 3, तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके उपरांत 1905 में जब फिर से भौगोलिक पुनर्गठन किया गया तो जो हमारा संबलपुर जिला था वो 5 रियासतों के साथ क्या हो गया था, ओडिशा राज्य में शामिल हो गया था। और ओडिशा से क्या हो गए थे, 5 जो रियासत थे वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे। जिसके उपरांत संबलपुर जब कहां चले गया, ओडिशा में चले गया, तो उसके उपरांत क्या हुआ, दुर्ग को नया जिला गठित किया गया।
ठीक। तो 1906 के अंतर्गत ये जो दुर्ग है आपका, ये क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ के तीसरे जिले के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। क्यों? क्योंकि संबलपुर जिला कहां चले गया था, उड़ीसा प्रांत में चले गया था। इसके उपरांत जब भारत आजाद होता है 1947 में, उसके उपरांत जब सभी रियासतों का क्या किया जाता है, भारतीय संघ में विलय किया जाता है, तब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो तीन रियासत थे उनको क्या किया गया, जिले के रूप में मान्यता दी गई। और 1948 के अंतर्गत बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ को क्या किया गया, जिला बनाया गया। जिसके उपरांत 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन कर या दुर्ग जिले का पुनर्गठन कर राजनांदगांव को जिला बनाया गया। कब बनाया गया, 1973 में। इस तरह 1973 तक हमारे पास कितने जिले हो गए, तो 7 जिले हो गए। फिर छत्तीसगढ़ निर्माण से जस्ट पहले 1998 में 9 अलग जिलों का या 9 नए जिलों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इन सभी को छोड़कर बाकी जो भी जिले आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि रायपुर संभाग में आप देखें तो महासमुंद और धमतरी, इसके अलावा कवर्धा, ठीक। बिलासपुर संभाग में आप देखें तो कोरिया, कोरबा, जसपुर, जांजगीर चांपा, और बस्तर संभाग में कांकेर और दंतेवाड़ा जिले क्या हुए थे, 1998 में अस्तित्व में आए थे। आइए चर्चा करते हैं इनके ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। सभी ऑप्शंस को हम यहां पर क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, इनके बारे में समझ चुके हैं। अब आराम से हम अपना आंसर यहां पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, 1, 2, 3 सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1, 2 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 और 4 सही है। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, सभी सही है। तो अपन विचार करते हैं, इस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, बिल्कुल यह कथन क्या है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, बिलासपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग था, ठीक। देख रहे हैं हम रायपुर में कितने जिले, तो 7-6 जिले थे। बिलासपुर में कितने जिले, तो 7 जिले। और बस्तर में कितने जिले, तो 3 जिले। तो ठीक है, बिलासपुर में क्या है, सर्वाधिक जिले हैं, ठीक। सर्वाधिक कितने जिले, तो 7 जिले थे। किस समय, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अपने अस्तित्व में आया था। अगला, छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे, यह भी फुलफिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले थे इस समय, 16 जिले थे। और चौथा क्या बोल रहा है, बस्तर संभाग में 3 जिले थे, यह कथन भी क्या है, पूर्णतः सत्य है। बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा 3 जिले थे, किसमें, बस्तर संभाग के अंतर्गत। तो क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा डी, सभी कथन क्या है, सही है। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के साथ और कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए थे, ठीक। पहला चीज क्या क्लियर हो जा रहा है हमको, कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के अलावा और कोई भी तो राज्य थे, वो क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे, ठीक। ऑप्शन दिख रहा है आपको, दो दो के सेट दिख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इनमें से जो दो राज्य है वो क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ के साथ ही 2000 के समय नवंबर में क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे। देखते हैं ऑप्शन में, पहला उड़ीसा और झारखंड, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। दूसरा झारखंड और उत्तराखंड, तीसरा उत्तराखंड, सिक्किम और सिक्किम और नागालैंड, सॉरी, ठीक। तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य हैं जो नवंबर 2000 में क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ के साथ ही अस्तित्व में आए थे। जैसे कि हमको पता है, अभी हमने चर्चा किया कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके उपरांत 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में क्या हुआ, अस्तित्व में आया। फिर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में क्या हुआ, अस्तित्व में आया। तो 26वां राज्य क्या हो गया आपका, छत्तीसगढ़, कब बना, 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य क्या हो गया आपका, उत्तराखंड, कब बना, तो 9 नवंबर 2000 को। और 28वां राज्य क्या हो गया आपका, झारखंड, कब बना, तो 15 नवंबर 2000 को। साथ ही छत्तीसगढ़,
किससे अलग होकर बना? तो ये तो हम सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। दूसरा, उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। और जो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर क्या बना? अलग राज्य बना। तो इन तीनों नए राज्यों के मातृराज्य आपको पता चल गया। छत्तीसगढ़ का मातृराज्य क्या हो गया? मध्य प्रदेश। उत्तराखंड का मातृराज्य क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और बिहार, सॉरी, झारखंड का मातृराज्य क्या हो गया आपका? बिहार। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ अपने मातृराज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने वर्षों तक रहा? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि छत्तीसगढ़ का मातृराज्य क्या है हमारा? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक रहा? एक डेट हमको पता है क्या? 1 नवंबर 2000। इस दिन क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया कब? 1 नवंबर 2000 को। अब हमको अगर ये वर्ष निकालना है कि मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक रहा, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष पता होना चाहिए। तो जैसे मैं पीछे इतिहास में जाऊं, तो जब भारत आजाद होता है तो भारत के आजादी के बाद राज्य गठन से संबंधित तीन समितियां क्या होती है? गठित होती है। पहला समिति रहता है एसके धर समिति, दूसरा समिति रहता है जेवीपी समिति, और तीसरा समिति रहता है फजल अली समिति। फजल अली समिति के सिफारिश पर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उसके तहत 1 नवंबर कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। फजल अली समिति के सिफारिश पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उस राज्य पुनर्गठन के तहत सबसे पहला राज्य क्या बना आपका? मध्य प्रदेश बना। और ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। तो अब आराम से बना सकते हैं कि कितने वर्ष मातृराज्य का हिस्सा था? 53 वर्ष, 44 वर्ष, 50 वर्ष की 40 वर्ष। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन कब हो रहा है? 1 नवंबर 1956 को। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हो रहा है? 1 नवंबर 2000 को। तो अब आराम से इतना जोड़ घटाना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1 नवंबर और 1956 से 2000, मतलब कुल कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़? तो 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कौन सा राज्य आपका? अपना छत्तीसगढ़ राज्य। आगे चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में क्या स्थान है, और देश का कितना क्षेत्रफल, छात्र हो गया ये, ठीक है, कितना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का हिस्सा है? मतलब अगर भारत का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर है तो उसमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, उसको हमको क्या जानना है? प्रतिशत में जानना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है आपको? 11वां, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 11वां, और कितना प्रतिशत हिस्सा है? 4.11। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? 9वां और 4.11। तीसरा क्या दे रहा है? 10वां और 4.11। और चौथा क्या दे रहा है? 8वां और 4.11। ठीक है, तो इन पर अब विचार करते हैं। एक चीज तो हमको क्लियर हो गया कि देश का कितना प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, तो 4.11% हिस्सा क्या है? छत्तीसगढ़ में है। ये चीज क्या हो गई? हमको क्लियर हो गई। अब हमको सिर्फ क्या जानना है? क्रम जानना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा नंबर का बड़ा राज्य है? 11वां है, 9वां है, 10वां है कि 8वां है? तो आप एक डेट याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक, कब तक? 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का 10वां बड़ा राज्य था। ठीक, भारत का कौन सा बड़ा राज्य था? तो 10वां बड़ा राज्य था। अब ये डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2019 क्या है? तो इस डेट को याद रखना है आपको कि इस दिन जम्मू कश्मीर राज्य का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। आपको पता होगा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ठीक, इसको क्या किया गया था? हटाया गया था, जिसके उपरांत जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर जम्मू कश्मीर
एवं लद्दाख नामक दो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर क्या हो गया था, राज्य से हटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था तब तक यह भारत का पांचवा बड़ा राज्य था। भारत के कौन से नंबर का पांचवा, कौन से नंबर का बड़ा राज्य था, तो ये पांचवें नंबर का बड़ा राज्य था। ठीक है, तो जब जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया गया, पुनर्गठन कर दिया गया, तब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब हमको पूछा क्या जा रहा है, छत्तीसगढ़ का देश में क्या स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में क्या स्थान है। तो जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था तब तक छत्तीसगढ़ देश का दसवां बड़ा राज्य था। मतलब कब तक दसवां बड़ा राज्य था, तो 31 अक्टूबर 2019 तक छत्तीसगढ़ देश का दसवां बड़ा राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से छत्तीसगढ़ भारत का नौवां बड़ा राज्य क्या हो चुका है, बन चुका है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या हो चुका है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर पहले भारत का किस नंबर का बड़ा राज्य था, तो पांचवें नंबर का बड़ा राज्य था, जिसका क्या कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठित कर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो जो छत्तीसगढ़ है जो पहले दसवां बड़ा राज्य हुआ करता था, वो अब कौन से नंबर पर आ चुका है, नौवें नंबर पर आ चुका है, भारत का नौवां बड़ा राज्य बन चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, आठवें नंबर का आपका आंसर क्या है, बी है। ठीक, आगे चलते हैं। नौवां, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्हों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य, हमको क्या छांटना है यहां पर, असत्य कथन छांटने हैं, सॉरी कौन सा कथन छांटना है हमको, तो असत्य कथन छांटना है, असत्य कथन। पहला क्या बोल रहा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक जो नेम है, ठीक है, वो क्या है, ग्रैकुला रिलीजियोसा है। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रैकुला रिलीजियोसा है। दूसरा, राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस अर्नी है। तीसरा, राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। अब इस पर हमको क्या जानना है, असत्य कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं, पहला जो हमारा राजकीय पक्षी है क्या, पहाड़ी मैना, यह हमको पता चल गया कि हमारा राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना। अब पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रैकुला रिलीजियोसा है, ये बिल्कुल सत्य है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। दूसरा, राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलिस अर्नी है, ये भी क्या है आपका, बिल्कुल सत्य कथन है, बुबेलिस अर्नी या बेबुलस बुबेलिस भी कहा जाता है वन भैंसे को। और तीसरा, राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस है, ये गलत है, टेक्टोना ग्रैंडिस जो है ये सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो सागौन का वैज्ञानिक नाम है। तो हमारे जो साल वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है, और हमको क्या छांटना है, असत्य कथन छांटना है। ठीक, अब ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक, एक और दो, तीन, यह सभी सत्य है बोल रहा है। ठीक है, अब हमको क्या छांटना है, असत्य कथन छांटना है। तो अपने क्या पता चल गया, सभी सत्य तो नहीं है, क्यों, क्योंकि राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबुस्टा, ना कि टेक्टोना ग्रैंडिस। तो असत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, केवल तीन हमारा क्या है, असत्य कथन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, केवल तीन, जो राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस नहीं, क्या है, सोरिया रोबुस्टा है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बाकी जो ऊपर के दो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रैकुला रिलीजियोसा है, और राजकीय पशु वन भैंसे का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलिस अर्नी है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दसवां, राज्य गीत, छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपा पैरी के धार में कितने नदियों एवं जिलों का उल्लेख है। पहला चीज हमको यहीं से क्या पता चल गया कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है वो क्या है, अरपा पैरी के धार है। ठीक, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है, तो अरपा पैरी का धार है। अब हमको पूछा क्या जा रहा है कि इस अरपा पैरी का धार जो गीत है इसमें कितने नदियों एवं कितने जिलों का उल्लेख हुआ है। ठीक, ध्यान देते हैं, पहला ऑप्शन है क्या आपका, पांच नदियां छह जिले, तीन नदियां छह जिले, चार नदियां और आठ जिले, चार नदियां और सात जिले। तो जो अरपा पैरी के धार है, महानदी है अपार,
दो तीन नदियों के नाम तो आपको ऐसी समझ में आ गया, अरपा और पैरी, दो नदी आपको यहीं पर दिख रहे हैं। तीसरा नाम क्या आ रहा है, महानदी, अरपा पैरी के धार, महानदी के लीला है अपार। और चौथा क्या बोलते हैं, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। ठीक, तो चार नदियों का क्या हो रहा है यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। ठीक है, कितने नदी है यहाँ पे, तो चार नदी, कौन कौन से, पहला अरपा, दूसरा पैरी, तीसरा महानदी और चौथा क्या है आपका इंद्रावती। चौथा क्या है, इंद्रावती। अब कितने जिलों का उल्लेख है, तो आप ध्यान में रखना कि इसके अंतर्गत अरपा पैरी के धार, महानदी की लीला जो अपार है, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने जिलों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला आप ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत एक जिला है क्या, रायगढ़। दूसरा आपको ध्यान में रखना है सरगुजा। तीसरा आप याद में रखना बिलासपुर। चौथा आप ध्यान में रखना रायपुर। पांचवा आप ध्यान में रखना दुर्ग। दुर्ग के उपरांत बस्तर और बस्तर के उपरांत राजनांदगांव। ठीक, अब ये जो अरपा पैरी के धार, महानदी के लीला है अपार, इसमें इन जिलों को छत्तीसगढ़ महतारी के अंतर्गत कुछ कुछ अंगों के रूप में क्या किया गया है, इनको विभूषित किया गया है। जैसे कि जो रायगढ़ आप देख रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ महतारी का मुकुट कहा गया है, हमारे छत्तीसगढ़ का क्या कहा गया है, मुकुट कहा गया है। जो सरगुजा और बिलासपुर है, इसको छत्तीसगढ़ के दो बाह कहा गया है, मतलब दो भुजाएं कहा गया है। ये छत्तीसगढ़ के क्या है, दो भुजा है। रायपुर, रायपुर को छत्तीसगढ़ के कमर कहा गया है, ठीक है, कमरिया कहा गया है। दुर्ग और बस्तर, इनको दुर्ग और बस्तर, दुर्ग और बस्तर को छत्तीसगढ़ का पायल कहा गया है। ठीक, पैरों में पहने जाने वाला जो पायल वो कहा गया है। और जो राजनांदगांव है, इसको छत्तीसगढ़ का करधन कहा गया है, कमर में जो पहने जाने वाला आभूषण होता है करधन, वो कहा गया है। ठीक, तो ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है, अरपा पैरी के धार और महानदी की लीला है अपार, इसमें कितने नदी, तो चार नदी और सात जिलों का क्या है उल्लेख है। कौन कौन से नदियों का उल्लेख है, तो अरपा पैरी, महानदी और इंद्रावती का उल्लेख है। और कौन कौन से जिलों का उल्लेख है, तो रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव जिलों का क्या किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य गीत की पूर्ण गायन अवधि कितनी है। राज्य गीत जो है हमारा अरपा पैरी के धार, जस्ट हमने अभी देखा, इसकी पूर्ण गायन अवधि कितनी है। पहला क्या बोल रहा है, 396 सेकंड, दूसरा बोल रहा है 75 सेकंड, तीसरा बोल रहा है 460 सेकंड और चौथा बोल रहा है 54 सेकंड। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य गीत है, इसकी पूर्ण गायन अवधि है 6 मिनट 36 सेकंड। 6 मिनट 36 सेकंड, मतलब इस 6 मिनट 36 सेकंड को क्या करना पड़ेगा अपने को, टोटली सेकंड के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो टोटल कितना सेकंड हो जाएगा आपका, 396 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा, 396 सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, पूर्ण गायन अवधि कितनी है, तो 396 सेकंड है। इसके अलावा ये जो 75 सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये छत्तीसगढ़ के राज्य गीत की लघु गायन अवधि है, लघु गायन अवधि है, छत्तीसगढ़ राज्य गीत की लघु गायन अवधि है क्या आपका, 75 सेकंड। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी इसके क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने खूबचंद बघेल जी के लिए एक पूरा क्वेश्चन रखा हुआ है, तो अपन ध्यान देते हैं खूबचंद बघेल के लिए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कहा जा रहा है कि 28 जनवरी 1956 को इनके द्वारा, मतलब किनके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा
छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1967 में बघेल जी के अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ ब्रदर्स एसोसिएशन का क्या किया गया, गठन किया गया और कहां किया गया, रायपुर में किया गया। तीसरा, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। और चौथा बोल रहा है 1983 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की। इन चार कथनों पर अपने को विचार करना है। अब इन चार कथनों में अपने को जानना क्या है, तो सत्य कथन जानने हैं, ठीक है। इनमें से कौन से कथन सत्य है, मतलब किस किस कथन सत्य है, कौन कौन से कथन डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा फुलफिल किए जा रहे हैं। तो पहला अपन देखते हैं 28 जनवरी 1956 को इनके द्वारा, मतलब किनके द्वारा, खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का क्या किया गया, गठन किया गया। यह कथन बिल्कुल सही है, 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी कार्यों को क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। अगला, 1967 ईस्वी में बघेल जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का क्या किया गया, गठन किया गया और कहां किया गया, तो रायपुर में किया गया। तो जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, दूसरा, 1967 में बघेल जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया, यहां तक लाइन पूरी सही है कि 1967 में बघेल जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का क्या किया गया था, गठन किया गया था, बिल्कुल यह सही है। लेकिन इसका गठन रायपुर में नहीं किया गया था, इसका गठन राजनांदगांव में किया गया था, राजनांदगांव में किया गया था। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन कहां पर किया गया बघेल जी की अध्यक्षता में, तो राजनांदगांव में किया गया था, ना कि रायपुर में। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, यहां पे गलत हो जा रहा है। तीसरा, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे, यह कथन भी बिल्कुल सही है। अध्यक्ष कौन हो गए भ्रातृत्व संघ के, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो गए। उपाध्यक्ष कौन हो गए, द्वारिका प्रसाद तिवारी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अंतर्गत सहयोगी, सहयोगी सहयोगी थे बैरिस्टर छेदी लाल, बैरिस्टर छेदी लाल क्या थे, इस भ्रातृत्व संघ के अंतर्गत इनके सहयोगी थे। ये चीजें हो गई, मतलब भ्रातृत्व संघ से संबंधित आपको कौन कौन से पॉइंट पता चल गए। पहला, 1967 में क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। दूसरा, कहां स्थापना की गई, तो राजनांदगांव में स्थापना की गई। तीसरा, भ्रातृत्व संघ से संबंधित आपको क्या चीज पता चल गया कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। और चौथा, कि इसके सहयोगी कौन थे, मतलब इस भ्रातृत्व संघ के अंतर्गत इनके सहयोगी कौन थे, तो बैरिस्टर छेदीलाल थे। बैरिस्टर छेदीलाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। अगला, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1983 ईस्वी में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की, यह बिल्कुल गलत है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 1983 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना नहीं की थी। ये जो जय छत्तीसगढ़ पार्टी है, इसके संस्थापक संत कवि पवन दीवान जी थे, संत कवि पवन दीवान। नोट करके रखिएगा आप कि 1983 में संत कवि पवन दीवान जी के द्वारा क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये जो पवन दीवान जी हैं, ये राजिम के प्रमुख नेता में से एक थे, सॉरी संत थे, नेता तो नहीं थे ये, लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण में अपना योगदान ये क्या कर रहे थे, दे रहे थे। अब क्या करना है, हमको सत्य कथन जानना है। तो कौन कौन सा कथन हमारा सत्य हो रहा है, ये पहला कथन सत्य हो रहा है और हमारा तीसरा भी कथन क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। तो आप पाएंगे पहला और तीसरा किस में है, तो सी नंबर में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि 28 जनवरी 1956 को खूबचंद बघेल जी के द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। और छत्तीसगढ़ जो भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया था 1967 में, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। बाकी मैंने आपको बताया कि 1967 में जो भ्रातृत्व संघ का गठन हुआ था वो इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, किनके अध्यक्षता में, तो खूबचंद बघेल जी की अध्यक्षता में। लेकिन इसका गठन रायपुर में नहीं, कहां हुआ था, राजनांदगांव में हुआ था। इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। और 1983 के अंतर्गत जो जय छत्तीसगढ़ पार्टी है, उसके संस्थापक डॉक्टर खूबचंद बघेल नहीं बल्कि कवि पवन दीवान जी थे। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का पद किसे दिया गया, ठीक, प्रथम मंत्रिमंडल के ऊपर अपने को चर्चा करना है।
तो प्रथम मंत्रिमंडल जो है इसमें आप चार नाम देखिए, सत्यनारायण शर्मा, नंद कुमार पटेल, रामचंद्र सिंह देव और गीता देवी जी। ठीक है, तो इसमें जो सत्यनारायण शर्मा है इनको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री का क्या दिया गया था, पद दिया गया था। ठीक, अब जो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें ये जो नंद कुमार पटेल जी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कौन दिख रहे हैं, नंद कुमार पटेल जी ये क्या थे, गृह मंत्री थे। नंद कुमार पटेल जी क्या थे, गृह मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन हो गए, सत्यनारायण शर्मा जी। रामचंद्र सिंहदेव, रामचंद्र सिंहदेव जो थे ये इस समय वित्त मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल के अंतर्गत क्या थे, ये वित्त मंत्री थे। अक्सर आप ध्यान देंगे तो वित्त मंत्री का जो पद है वो वित्त विभाग जो है वो मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपने ही पास रखते हैं, लेकिन प्रथम मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन वित्त मंत्री बने थे, तो रामचंद्र सिंहदेव जी क्या बने थे, वित्त मंत्री बने थे। अगला, ये जो गीता देवी आप नाम देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रथम महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक, इसके अलावा एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एक नंद कुमार पटेल देख रहे हैं जो कि क्या है, हमारे गृह मंत्री हैं, पहले छत्तीसगढ़ राज्य के क्या है, पहले गृह मंत्री हैं, और जो नंद कुमार साय जी हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, नंद कुमार साय क्या, प्रथम नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा दिनेश नंदन सहाय जी छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, और श्री अजीत प्रमोद जोगी जी क्या थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्लियर है, तो 13वां जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सत्यनारायण शर्मा क्या थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के पद पर स्थापित थे, कौन आपके, सत्यनारायण शर्मा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ है, पूछा क्या जा रहा है, सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ है, राजनांदगांव, खैरागढ़, बस्तर या छुई खदान। तो आप ध्यान में देंगे कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो खैरागढ़ रियासत में हुआ, कहां पर हुआ, खैरागढ़ रियासत में हुआ। कैसे, तो खैरागढ़ रियासत के अंतर्गत एक राजा थे, राजा का नाम था लक्ष्मी निधि, लक्ष्मी निधि। ठीक, इस लक्ष्मी निधि के एक चारण कवि थे, चारण कवि, और चारण कवि का नाम क्या, तो नाम था दलराम राव, चारण कवि का नाम क्या था, दलराम राव था, चारण कवि का नाम क्या, दलराम राव। तो इन्हीं दलराम राव के द्वारा पहली बार इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। ठीक, तो 14वें नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस रियासत में हुआ, खैरागढ़ रियासत में। और आपको एडिशनल पॉइंट क्या याद रखना है, खैरागढ़ रियासत के राजा कौन, लक्ष्मी निधि साय के शासनकाल में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। इसके अलावा भी आपको और क्या ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया, तो लक्ष्मी निधि के क्या है, एक चारण कवि है, और उनका नाम क्या है, दलराम राव, इनके द्वारा क्या किया गया, पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे, पंद्रहवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर का नाम कब अटल नगर एवं अटल नगर से कब परिवर्तित कर नवा रायपुर अटल नगर किया गया। दो चीजें ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर है ना, इसका नाम कब परिवर्तित करके अटल नगर किया गया, एवं अटल नगर से कब परिवर्तित कर नवा रायपुर अटल नगर किया गया। तो जो हमारी पूर्व सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उनके द्वारा जो नया रायपुर है इसका नाम अटल नगर किया गया था, कब किया गया था, तो अगस्त 2018 में क्या किया गया था, इसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया था। क्यों किया गया था, तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी स्मृति में जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर क्या किया गया, अटल नगर किया गया।
किसके द्वारा किया गया, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किया गया। उसके उपरांत जो अटल नगर है इससे नाम को परिवर्तित करके कब नाम नवा रायपुर अटल नगर किया गया। तो जो आज हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा 2019 में जो अटल नगर है इसका नाम परिवर्तित करके नवा रायपुर अटल नगर किया गया। नया रायपुर नहीं बोलना है, क्या बोलना है हमको, नवा रायपुर अटल नगर बोलना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अगस्त 2018 में नया रायपुर का नाम क्या कर दिया गया, अटल नगर कर दिया गया। साथ ही अटल नगर से परिवर्तित कर 2019 में इसका नाम क्या कर दिया गया, नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सोलवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजधानी नवा रायपुर अटल नगर। अभी हमने बताया अटल नगर नाम कब हुआ इसका, तो आपको ध्यान में रखना है 2019 में नवा रायपुर अटल नगर कब नाम हुआ इसका, तो 2019 में किसके द्वारा, तो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा जो हमारी राजधानी है वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर का नामकरण किया गया। इसको क्या किया जा रहा है, चौथा नियोजित नगर बनाया जा रहा है, मतलब प्लांट सिटी बनाया जा रहा है, एक नियोजित शहर क्या किया जा रहा है बनाया जा रहा है। कौन से नंबर का बनाया जा रहा है, चौथे नंबर का। तो आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे, भारत के तीन अन्य नियोजित नगर कौन कौन से है। ठीक, एक चीज हमको पता चल गया कि जो हमारी राजधानी है नवा रायपुर अटल नगर ये भारत के कौन से नंबर का नियोजित नगर होगा, तो चौथे नंबर का नियोजित नगर होगा। एक चीज और ध्यान में रखना, 21वीं सदी का पहला नियोजित नगर ये होगा, कौन सा आपका, नवा रायपुर अटल नगर। इसके अलावा और भारत के कौन कौन से जो तीन शहर हैं इनको क्या किया गया है, नियोजित नगर के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़, गांधीनगर, मुंबई, बी बोल रहा है आपको चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, सी बोल रहा है आपको बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गांधीनगर, और डी बोल रहा है चंडीगढ़, गांधीनगर, भुवनेश्वर। तो ऑप्शन जो डी है आपका ये बिल्कुल सही है कि भारत के जो पहले तीन नियोजित नगर है उसमें चंडीगढ़, गांधीनगर और भुवनेश्वर क्या है, शामिल है। चौथा नगर कौन सा बन रहा है आपका, नवा रायपुर अटल नगर नियोजित नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये जो नवा रायपुर अटल नगर है इस ये 21वीं सदी का, किसका, 21वीं सदी का पहला नियोजित शहर होगा, पहला नियोजित शहर होगा। चार चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या, चंडीगढ़, गांधीनगर और भुवनेश्वर, इसके उपरांत नवा रायपुर अटल नगर, ये चार भारत के क्या है, नियोजित नगर है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, धान की बालियां, साल वृक्ष, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, क्या शामिल नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक, धान की बालियां बिल्कुल शामिल है, धान की बालियां छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं खाद्यान्न की समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा साल वृक्ष हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष। और तीसरा अशोक स्तंभ, जी अशोक स्तंभ को क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया है। और यह जो अशोक स्तंभ है यह भारत के प्रति या राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति छत्तीसगढ़ की निष्ठा प्रदर्शित करता है। ठीक, अशोक स्तंभ क्या प्रदर्शित करता है, भारत के प्रति या राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सच्ची निष्ठा को प्रदर्शित करता है। साथ ही अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको सत्यमेव जयते वाक्य भी उल्लेखित मिलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, सही आंसर होगा आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष शामिल नहीं है। साल वृक्ष हमारा क्या है,
एक राजकीय वृक्ष है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में इसको शामिल नहीं किया गया है। राज्य प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत धान की बालियां, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते क्या है उल्लेखित है या उस प्रतीक चिन्ह में शामिल है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 18वां क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शंकर गुहा नियोगी, कौन? शंकर गुहा नियोगी द्वारा किन किन संगठनों की स्थापना की गई? ठीक, चार संगठनों के नाम दिए हैं, इनमें से किन किन संगठनों की स्थापना शंकर गुहा नियोगी के द्वारा की गई है, यह आपको बताना है। पहला क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976। दूसरा क्या बोल रहा है? जय छत्तीसगढ़ पार्टी। तीसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान 1995। और चौथा बोल रहा है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि ये जो जय छत्तीसगढ़ पार्टी है 1983 के अंतर्गत, जय छत्तीसगढ़ पार्टी, इसके संस्थापक कौन थे? तो संत कवि पवन दीवान जी हैं। संत कवि पवन दीवान जी क्या हैं? जय छत्तीसगढ़ पार्टी के संस्थापक हैं। तो अब आप देख लीजिए, जहां जहां पर दूसरा ऑप्शन है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका ए और डी, ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 50% चांसेस है, या तो आप क्या कीजिए, बी को लगाइए, या तो आप क्या कीजिए, सी को लगाइए। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। कब किया गया? तो 1976 में, डेट याद रखेंगे आप। और जय छत्तीसगढ़ पार्टी, ये तो क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत कवि पवन दीवान जी के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान 1995, ये 1995 में जो छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान बना था इसके संस्थापक शंकर गुहा नियोगी जी नहीं थे। लेकिन जो चौथी हमारी पार्टी देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, इसके संगठनकर्ता या गठनकर्ता शंकर गुहा नियोगी जी थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, पहला और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या थे? भारत के गृह मंत्री थे। आगे हम चर्चा करें तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं क्या? के आर नारायणन जी। ये के आर नारायणन जी क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। और के आर नारायणन जी के बारे में एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, अगला अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये इस समय भारत के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है आपको, श्री दिग्विजय सिंह जी। श्री दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, और ये जो दिग्विजय सिंह थे ये वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जा रहा था तब ये क्या थे? उसके मुख्यमंत्री थे। क्लियर है आपको यहां तक? चीजें समझ में आ गई? ठीक, इतने क्वेश्चन आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया था। बताइएगा आप लोग कि क्वेश्चन कैसा रहा, आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, और इसमें क्या और अच्छी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे ऐसे पूरे एक सीरीज के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे जो इतने भी भारत के जीएस हैं या संपूर्ण सीजीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वो हम आपको पढ़ाकर क्या करेंगे, सीजीपीएससी से पहले खत्म करेंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी के लिए आप बने रहिए हमारे इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की तैयारी करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।